हेलो फ्रेंड्स, नेशनल 18 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में जैसे हमने पिछले दिनों में देखा है कि स्टोरीज बहुत कॉपी हो रही हैं, इसके पीछे जो बॉलीवुड है हमेशा चर्चा में रहता है कि पायरेसी मत करें, ओरिजिनल थिएटर में फिल्म देखें, बट जो पीछे से ही स्टोरी कॉपी हो जाती है, स्टोरी चोरी हो जाती है या उसका कंसेप्ट सिमिलर होता है। पीछे हमने देखा कि गंजेपन पे एक के बाद कितनी फिल्में आ गई, और अभी आने वाले हफ्तों में गोन के शारी है। पहले फिल्म आई उजड़ा चमन, फिर आई बाला, आई आयुष्मान खुराना की। उजड़ा चमन और बाला को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत हद तक सेम स्टोरी है। इवन कि उसमें भी जो करेक्टर है, जो हीरो है, उसका एक भाई है, मम्मी पापा हैं घर पे, और लास्ट में जो एंड हुआ है दोनों ही फिल्मों का सेम तरीके से। एक जो उसमें सिंगर है वो उसका गाना उसमें शूट करते हुए दिखा दिया गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कैसे जो स्टोरीज़ हैं वो बनने से पहले ही उसकी कॉपी हो जाती है, या जो राइटर है वो उसको दो जगह बेच देता है? तो इसके पीछे बॉलीवुड खुद भी तो कहीं ना कहीं इसके लिए कसूरवार है, या कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है। तो व्यूअर्स को तो बॉलीवुड हमेशा आगाह करते रहते हैं कि आप ओरिजिनल थिएटर में ही जाके फिल्म देखें, पायरेसी वाली फिल्में ना देखें या कॉपी वाली सीडी ना परचेज करें। बट जब हमें बार बार हर हफ्ते एक ही स्टोरी देखने को मिल रही है, बाला का किरदार हमने हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार को देखा निभाते हुए, बाला नाम था, और बाला ही आयुष्मान खुराना है जिसके की टाइटल है फिल्म का। तो बाला मतलब जो फिल्म बनी है आयुष्मान खुराना की, यामी गौतम है, भूमि पेडनेकर ने अच्छा रोल किया है, बट हूबहू सेम स्टोरी है, सेम ही उसमें डायलॉग्स हैं, सेम ही उसमें मतलब पूरी जो कंसेप्ट है वो उसी तरह से इर्द गिर्द घूम रहा है। बट दोनों स्टोरीज, दोनों फिल्मों को अगर कंपेयर किया जाए, जो पहले रिलीज़ हुई थी उजड़ा चमन, वो कहीं ना कहीं चाहे वो छोटे स्टार्स कास्ट की फिल्म है, बट वो कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड है, कहीं ना कहीं बाला को सरपास कर रही है। बेशक वो अच्छी उसमें कास्टिंग है, बट मेरे हिसाब से वो फिल्म ओरिजिनल लग रही है। बाला कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ड्रामा ज़्यादा दिखाया गया है, ज़्यादा कोशिश की गई है कि कॉमेडी डाली जाए। तो ये मतलब जो चोरी हो रही है, स्टोरीज कंसेप्ट चोरी हो रहा है, सिमिलर चला रहा है। अब गोन के शारी है तो जो उसके भी उससे टाइटल से, उसके पोस्टर से लग रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही कंसेप्ट है, मिलती जुलती स्टोरी आ रही है। तो क्यों व्यूअर्स को ऐसा देखने को मजबूर कर रहा है बॉलीवुड? तो इसके पीछे जो एक्शन लेना है वो बॉलीवुड जो वहाँ बैठी हैं एसोसिएशन टीम है उनको लेना चाहिए, ना कि वो हमें व्यूअर्स को जो बार बार इस चीज़ के लिए आगाह करते हैं पायरेसी वाली ना दें, थिएटर में जाके देखें। तो थिएटर में हम बार बार पैसे खर्च के एक ही फिल्म को, एक ही स्टोरी को, एक ही कंसेप्ट को क्यों देखने जाएं बार बार?